नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के सहकारिता व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय पलवल के सभागार में जिला लोक संपर्क व परिवार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, हाथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिला उपायुक्त नेहा सिंह भी मौजूद रही, जहां बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया। सहकारिता व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया है, जिसमें से 11 शिकायतों को हल कर दिया गया है, जबकि 3 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। शिकायतों के संदर्भ में अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्रीवेंस की बैठक में एक एक्सियन के खिलाफ चार्जशीट करने का निर्देश भी जारी किया गया है। 14 परिवार थे, जिसमें से 11 डिस्पोजल किए हैं और 3 को पेंडिंग रखा है, और अगली बार से जो भी हम डिस्पोजल कर रहे हैं और उनका क्या एक्शन हुआ, उसकी भी ATR हम अगले महीने से शुरू किया है कि पहले हम वो शिकायतें सुनेंगे जिन पर कार्रवाई की कि नहीं की, और उसके बाद जनरल कंप्लेंट सुने। मंत्री जी, परिवार नंबर 9 कमेटी चौक पर बहुत ज्यादा जाम रहता है, और बताया गया कि अफगानपुर तरफ की तरफ जाने वाले रास्ता है, काफी साल से मामला पंडित है, पेंडिंग है, और हाईकोर्ट से फैसला हो गया है उसको रास्ते को खुलवाने के लिए, फिर भी नगर परिषद के जो अधिकारी है उसको खुलवाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा है, देखो जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें एडिशनल सेशन जज की रिपोर्ट है कि ये मतलब नहीं बनता, अवैध कब्जा नहीं बनता, जो उसकी चकबंदी में कुछ गलती है उसको ठीक करने का आदेश दिया। परिवादी ने साफ कहा है 2018 का उसका कहने का तो क्या है, जो हमारे पास रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं उसमें ये कही है कि उसी रास्ते को लेकर के जब वो दुकानों को दोबारा से बनाने का काम चल रहा था तो नगर परिषद के अधिकारी काम रुकवाने के लिए गए, उसके बाद पैसे का लेन देन हुआ, अगले काम शुरू हो गया। नहीं, अभी मैंने DC मैडम से कहा है कि ये बैठ करके उनको बुलाएं और इसको HSVP से को बुलाएं और शिकायतकर्ता को बुलाएं, मैडम जोशी को ये कहा कि इनका फैसला करें। मंत्री जी, एक आध अधिकारी को आपने चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं, ऐसे कितने अधिकारी हैं कि जो सुनवाई नहीं करते हैं और परिवाद ही ऐसे घूमते रह जाते हैं? देखो अधिकारियों का जो ये लचीलापन है और काफी काफी दिन तक लोग अपने काम के लिए चक्कर काटते रहते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और आज एक एक्शन के खिलाफ चार्जशीट का भी आदेश मैंने किया है, और आगे भी अगर इस तरह से अधिकारी लापरवाही करेंगे और जनता की शिकायत नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आज सुल्तापुर गांव में कार्यक्रम, क्या कुछ कार्यक्रम है आज? वो रेन्यूअल स्कीम के तहत एक पब्लिक हेल्थ का प्रोजेक्ट है और उसका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, और लगभग 23.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा, और उसके बनने के बाद लोगों को पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। अभी मंत्री जी आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, परंतु जो रेलवे ब्रिज है रसूलपुर का, वो बनके तैयार नहीं हुआ है, डेडलाइन उसकी जाती जा रही है, तो उसको लेकर भी कई बार ग्रीवेंस में भी वो मुद्दा उठाया, परंतु उसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती है। देखो कई इसमें इश्यूज आ जाते हैं, कई कंपनी ऐसी आ जाती हैं जो डिले कर देती हैं, सरकार उन पर पेनल्टी भी करती है, सरकार पेनल्टी कर सकती है और सख्ती भी करती है सरकार, वो इसको समय पर पूरा किया जाए, क्योंकि लोगों को भी असुविधा होती है और बजट भी बढ़ता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्री जी, पलवल क्षेत्र के लोगों को पानी तो मिल रहा है, जैसा कि कहीं खा रहा है कहीं मीठा है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर क्लोरीनेशन नहीं होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम रिपोर्ट मंगवाते हैं क्लोरीनेशन का, और मैंने अभी अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए हैं कि भाई इस तरह का कोई केस मिलेगा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।